नमस्कार, स्टडी मेधा एकेडमी में आपका स्वागत है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की इस यूनिट में लेसन वन में आज हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में। लेकिन इससे पहले कि मैं ये चर्चा शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारी वेबसाइट studymedha.com को जरूर विजिट करिएगा। तो आइए आज हम लोग जानते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, घरेलू बिजली पे चलता है। जैसे हमारा पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, उसी प्रकार से ये भी घरेलू बिजली पे चलता है। क्या करता है? यूजर से डेटा लेता है, उस पर कार्रवाई करता है और रिजल्ट दिखाता है। सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, दुनिया के सभी सिस्टम्स यही काम करते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो यूजर से डेटा लेने को इनपुट बोलेंगे, जो डेटा यूजर से लिया गया है उस पर कार्रवाई करने को प्रोसेसिंग करना बोलेंगे, और जब कंप्यूटर यूजर को डेटा वापस दे देगा, यानी रिजल्ट के फॉर्म में डेटा वापस देगा, तो उसे कहा जाएगा आउटपुट। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये तीन बेसिक चीज़ें होती हैं किसी भी सिस्टम की। तो कंप्यूटर सिस्टम भी इसी फंडामेंटल पे काम करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा। अब कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर को डेटा देने के लिए इनपुट डिवाइसेस का उपयोग होता है, प्रोसेसिंग करने के लिए सीपीयू का उपयोग होता है और आउटपुट दिखाने के लिए आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग होता है। तो अब जैसे कंप्यूटर को हम कोई इनपुट देना चाहें ना, कंप्यूटर में हम कुछ लिखना चाहें, कंप्यूटर को हम कोई कुछ नंबर्स देना चाहें ऐड करने के लिए, या कंप्यूटर को हम कोई माउस के द्वारा या जॉयस्टिक के द्वारा हम कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहें, तो हम इसके लिए इनपुट डिवाइसेस का उपयोग करेंगे। अब इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब चीज़ें इनपुट डिवाइस हैं। प्रोसेसिंग करने के लिए सीपीयू का उपयोग होता है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो आप कैबिनेट देख रहे हैं, ये कंप्यूटर का कैबिनेट है ना, इसी कैबिनेट के अंदर प्रोसेसर होता है, मदरबोर्ड होता है, तो इसी के अंदर सीपीयू होता है। सीपीयू जो है वो प्रोसेसिंग करने का काम करता है। जब यूजर से डेटा लिया जाता है यानी इनपुट होता है, उसके बाद उस इनपुट के ऊपर जो भी कार्रवाई करनी होती है वो काम सीपीयू करता है। सीपीयू को फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और आउटपुट कैसे दिखाया जाता है? मॉनिटर की सहायता से या प्रिंटर की सहायता से, स्पीकर की सहायता से। तो ये जो आउटपुट डिवाइसेस हैं ये आउटपुट करने का काम करते हैं। तो इसीलिए कंप्यूटर को डेटा देने के लिए इनपुट डिवाइसेस का उपयोग होता है, प्रोसेसिंग करने के लिए सीपीयू का उपयोग होता है और आउटपुट देखने के लिए आउटपुट डिवाइस का उपयोग होता है। तो इस स्लाइड में हम लोग कुछ चीज़ें जान गए। एक चीज़ हम लोग ये जान गए कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यूजर से डेटा लेता है, डेटा पे कार्रवाई करता है और रिजल्ट दिखाता है, यानी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के फंडामेंटल पे चलता है। इनपुट के लिए इनपुट डिवाइसेस का उपयोग होता है जैसे माउस या कीबोर्ड। प्रोसेसिंग करने के लिए सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, और आउटपुट देखने के लिए आउटपुट डिवाइसेस का, जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब चीज़ें आउटपुट डिवाइसेस हैं। यहाँ पर हम लोगों को चार्ल्स बेबेज के बारे में जानना अत्यावश्यक है, क्योंकि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज, इनका जन्म हुआ 26 दिसंबर 1791 और इनका देहावसान हुआ 18 अक्टूबर 1871। इन्हें कंप्यूटर का पितामह यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इनका नाम बहुत ही आदर से कंप्यूटर की दुनिया में लिया जाता है। इनके बारे में जानना आपके लिए भी बहुत आवश्यक होगा, इनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा। इन्होंने 1837 में एक मशीन बनाई थी जिसे एनालिटिकल इंजन इन्होंने कहा था। तो 1837 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार इन्होंने किया था, जो दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर माना जाता है। एनालिटिकल इंजन जो था दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर माना जाता है। प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का मतलब है कि उसमें इंस्ट्रक्शंस अलग से दिए जा सकते हैं, वो किस तरह से काम करेगा उस इंस्ट्रक्शन को बदला भी जा सकता है। अभी फिलहाल एक इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहा है, उसके बाद उसमें प्रोग्राम बदल के उसको दूसरे इंस्ट्रक्शंस पे भी काम करने को कहा जा सकता है। तो इस तरह से जो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर होते हैं वो इसी थीम पे बने आगे चल के। दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन को माना जाता है, और ये चार्ल्स बेबेज, इनके द्वारा आविष्कार इसका किया गया था। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये एक अमेरिकन
एजुकेटर थे और एक साइंटिस्ट थे। अब कंप्यूटर की संरचना को उस जमाने में जब कंप्यूटर बना था तो समझाने के लिए स्टूडेंट्स को, दूसरे वैज्ञानिकों को, बाकी लोगों को समझाने के लिए कंप्यूटर की कई तरह की संरचना बनाई गई, जिसमें जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड संरचना थी वो थी वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। तो वॉन न्यूमन द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसका नाम वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पड़ा। तो वॉन न्यूमन ने जो संरचना समझाई वो किस तरह से समझाई वो हम लोग इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने इनपुट डिवाइस को रखा, बीच में इन्होंने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट को रखा। मेमोरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि बहुत सारी संरचनाओं में इग्नोर कर दी गई, नहीं बताई गई, लेकिन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में मेमोरी यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इन दोनों को ही विशेष महत्व देके समझाया गया। और उसके बाद आया आउटपुट डिवाइस। तो हम लोग इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस तो समझ गए क्या करने के काम आते हैं। इनपुट डिवाइस से हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, कोई डेटा दे सकते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जब कंप्यूटर हमको रिजल्ट दिखाता है तो आउटपुट डिवाइस की मदद से रिजल्ट दिखाता है। इस वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में समझाया गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो प्रोसेसिंग करता है। इसके अंदर दो पार्ट बताए गए, एक कंट्रोल यूनिट और दूसरा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है वो कंप्यूटर में लगे हुए सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मैनेजर होता है। सॉफ्टवेयर चल रहा है कि नहीं, हार्डवेयर लगा है कि नहीं, परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल यूनिट देखता है। तो इस तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इनका मैनेजमेंट करता है। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो एक्चुअल ऑपरेशंस करता है, गणनाएं करने का या प्रोग्राम को रन करके फाइल्स बनाने का, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इन संरचना में दो पार्ट्स में बताया गया, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और इसी संरचना के आधार पे आगे के कंप्यूटर्स जो हैं वो बने। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में समझाई गई, वो थी मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट का मतलब हुआ एक ऐसी यूनिट जहां पे डेटा को स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, ठीक है, परमानेंटली या टेम्पररली रखा जा सकता है, ऐसी यूनिट को कहा गया मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट का क्या मतलब हो गया, जहां पे डेटा परमानेंटली या टेम्परेली रखा जाएगा। अब कंप्यूटर में दो तरह के मेमोरी यूनिट होते हैं, एक होता है जिसको प्राइमरी मेमोरी कहेंगे और दूसरा होता है जिसको सेकेंडरी मेमोरी कहेंगे। इसके बहुत सारे उपनाम भी हैं, लेकिन मैं अभी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी इनको कह रहा हूं। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है, इसको मेन मेमोरी भी कह सकते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जो जिसके बिना कंप्यूटर चल सकता है लेकिन अपनी जो फाइल्स वगैरह जो चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट, जो हम कंप्यूटर का काम करके बनाते हैं चीज़ें, वो सारी की सारी डेटा उसमें रख देते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर डेटा जो रहता है वो अस्थाई यानी टेम्पररी रूप से रहता है, जब कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो प्राइमरी मेमोरी की चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डेटा परमानेंटली रहता है, जब तक आप उसको मैन्युअली खुद से नहीं डिलीट करें तब तक वो नहीं डिलीट होगा, यानी कंप्यूटर बंद करके आप अगली बार चालू करेंगे तो आपकी फाइलें उसमें से नष्ट नहीं होंगी, उसमें फाइलें होंगी। और प्राइमरी मेमोरी से कंप्यूटर बंद करके आप चालू करेंगे तो पुरानी फाइलें जो है वो समाप्त हो जाती हैं। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे आगे के अपने लेसन्स में। तो ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है जिसमें कंप्यूटर की संरचना के बारे में बताया गया, जिसमें इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पार्ट्स जो हो गए कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में अच्छे से समझाया गया। अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। तो कंप्यूटर को उसके सर्किट के बनावट के अनुसार पांच पीढ़ियों में बांटा गया है। किसके अनुसार, सर्किट की बनावट के अनुसार, उसके अंदर जो सर्किट यूज होता था उसके अनुसार पांच अलग अलग पीढ़ियों में कंप्यूटर को बांटा गया। तो पहली पीढ़ी जो थी वो 1940 से 1956, दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963, तीसरी पीढ़ी 1963 से 1971, चौथी पीढ़ी 1971 के बाद की पीढ़ी हो गई, और पांचवी पीढ़ी जो है वो चौथी पीढ़ी के लगभग पैरेलल है, प्रेजेंट एंड ऑनवर्ड्स है। अब ये पीढ़ियां जो थी वो इसके अंदर यूज होने वाले सर्किट की बनावट के अनुसार थी, यानी पहली पीढ़ी में सर्किट जो था वो किसी और चीज से बनता था,
दूसरी पीढ़ी में किसी और चीज से बनता था। इसके साथ साथ कुछ और चीजें कंप्यूटर में सुधार होती गई, जैसे कंप्यूटर का साइज जो है वो छोटा होता गया, इसमें फॉल्ट्स जो है वो कम होते गए, और इसमें से जो निकलने वाली गर्मी थी वो भी कम होती गई। तो बहुत सारी चीजें जो है वो सुधार होती गई और इस तरह से पीढ़ियां बदलती गई। इसमें एक चीज जो हम लोगों ने देखा है अभी कि पहली पीढ़ी जैसे 1940 से 1956, दूसरी 1956 से 1963, ये जो समयावधि है ये औपचारिक नहीं है और अलग अलग किताबों या स्टडी मटेरियल में आपको अलग अलग मिल सकता है, कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन एवरेज लगभग यही समय है कि 1940 से 1956 तक लगभग जो है वो जो सर्किट थे वो वैक्यूम ट्यूब्स के बनते थे, इसलिए ये पहली पीढ़ी हो गई। दूसरी पीढ़ी ट्रांसिस्टर्स की आई तो करीब 1956 से लेकर 1963 तक जो है वो ट्रांसिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ। तो ये एक एवरेज टाइमिंग है, ये औपचारिक समय नहीं है, इसीलिए आपको अलग अलग स्टडी मटेरियल्स में अलग अलग आपको मिल सकता है। किसी बुक में आपको पहली पीढ़ी 1943 से 1956 तक हो सकती है, और किसी किसी बुक में आपको दूसरी पीढ़ी 1956 से लेकर 1966 तक हो जाती है। तो अलग अलग स्टडी मटेरियल में अलग अलग हो सकता है, ये औपचारिक समयावधि नहीं है। अब एक एक करके हम लोग जानते हैं पीढ़ियों के बारे में। तो पहली पीढ़ी जो थी 1940 से 1956, इस पीढ़ी में जो सर्किट बनते थे वो वैक्यूम ट्यूब के बनते थे। इस पीढ़ी में कंप्यूटर की सर्किट बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब कैसा दिखता है? ये ऐसा दिखता है, ठीक है, ये वैक्यूम ट्यूब है। तो वैक्यूम ट्यूब से ही सर्किट बनता था। अब ये वैक्यूम ट्यूब का आपने जैसे साइज देख लिया है, साइज थोड़ा बड़ा था। अब जैसे सैकड़ों वैक्यूम ट्यूब जब लगेंगे एक सर्किट को बनाने में तो साइज ऑब्वियसली काफी बड़ा हो जाएगा। इससे गर्मी भी निकलती थी तो काफी गर्म भी होता था कंप्यूटर, और ये फॉल्ट भी इसमें जल्दी आता था, इसलिए कंप्यूटर में फॉल्ट्स भी बहुत जल्दी जल्दी होते थे, और ये आज के जमाने के हिसाब से बहुत ज्यादा स्पीड इसकी कम भी थी। तो कंप्यूटर के सर्किट बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था, और कंप्यूटर जो है वो इसी वजह से काफी बड़े होते थे, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया, मिली सेकेंड में कैलकुलेट करते थे। अब देखिए ये जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी, एक एक जनरेशन में ये बढ़ती जाएगी। पहली पीढ़ी में मिली सेकेंड में कैलकुलेट होता था, और इसमें इनपुट के लिए पंच कार्ड्स का उपयोग होता था, स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का उपयोग होता था, ठीक है। तो पंच कार्ड्स और मैग्नेटिक ड्रम, पंच कार्ड जो है वो इनपुट के लिए उपयोग होता था। देखिए जैसे ये पंच कार्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक ड्रम है। तो मैग्नेटिक ड्रम में ये जो मैग्नेटिक कोटिंग से इसमें डेटा को स्टोर किया जाता था, ठीक है। और ये पंच कार्ड्स जो है वो देखिए जैसे इस तरह से पंचिंग की जा रही है कार्ड्स को और इनपुट दिया जा रहा है। तो वैक्यूम ट्यूब्स, पंच कार्ड्स और मैग्नेटिक ड्रम्स, ये सारी चीजें पहली पीढ़ी में इस्तेमाल होती थी। तो पहली पीढ़ी के जो कुछ सक्सेसफुल कमर्शियल कंप्यूटर्स थे वो थे ENIAC, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, और दूसरा था ADVAC, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इन दोनों का फुल फॉर्म या आपको याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन आपको इतना जरूर याद रखना है कि पहली पीढ़ी के जो सक्सेसफुल कमर्शियल कंप्यूटर्स थे वो थे ENIAC और ADVAC। अभी हम कमर्शियल कंप्यूटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस जमाने में कंप्यूटर का इस्तेमाल कमर्शियली ही होता था। लोगों को अपने घरों में कंप्यूटर रखने की ना जरूरत थी और ना ही वो रख पाते थे। और ENIAC और ADVAC का विकास जिन्होंने किया था, उनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, इसका विकास जे प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मॉकली ने 1947 में किया था। तो ENIAC, ADVAC ये पहले कमर्शियल कंप्यूटर्स थे, पहले सक्सेसफुल कमर्शियल कंप्यूटर्स थे। इनका विकास जे प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मॉकली ने 1947 में किया था। अब ENIAC और ADVAC में एक डिफरेंस भी था। डिफरेंस ये था कि ENIAC जो था वो डेसिमल नंबर सिस्टम पर काम करता था और ADVAC जो था वो बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करता था। डेसिमल नंबर सिस्टम यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो डिजिट्स हैं, 10 डिजिट्स हैं, इनके उपयोग करते हुए डेसिमल नंबर सिस्टम बनता था। अब जिस नंबर सिस्टम में हम लोग नॉर्मली गिनने का काम करते हैं वो डेसिमल नंबर है, और बाइनरी नंबर सिस्टम में दो ही डिजिट्स होते हैं, 0, 1। अब सारे नंबर्स जो हैं वो 0, 1 की सहायता से बनते हैं, तो ये नंबर हम लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है, ये नंबर मशीन समझती है।
अब आजकल के जो कंप्यूटर हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे ही काम करते हैं, तो ENIAC जो था वो डेसिबल नंबर सिस्टम पे काम करता था और ADVAC जो था वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता था। ये हम लोग देख चुके हैं वैक्यूम ट्यूब, पंच कार्ड और मैग्नेटिक ड्रम को। अब हम लोग आते हैं दूसरी पीढ़ी में, ठीक है। तो दूसरी पीढ़ी, इसका जो समय अवधि थी वो 1956 से 1963 है। इस पीढ़ी में कंप्यूटर की सर्किट बनाने के लिए ट्रांसिस्टर्स का उपयोग होता था। अब वैक्यूम ट्यूब से आगे बढ़ के ट्रांसिस्टर्स पे आ गए। ट्रांसिस्टर कैसा दिखता है? ऐसा, ये ट्रांसिस्टर है। अब इसका उपयोग होता था सर्किट्स बनाने में। अब आप देख सकते हैं कि ये छोटा भी है, गर्मी भी कम करता है और फॉल्ट्स भी इसमें कम होते हैं। तो अब देखिए, जैसे इसकी साइज छोटी है तो ऑब्वियसली सर्किट छोटा हो गया, सर्किट छोटा हो गया तो कंप्यूटर छोटे हो गए। और बड़ी बात यह है कि माइक्रोसेकंड में कैलकुलेट करते थे, यानी कि अब हम लोग और ज्यादा स्पीड के कंप्यूटर देख पाते थे। मशीन भाषा के स्थान पर असेंबली भाषा का उपयोग किया जाने लगा। अब यहाँ पर असेंबली भाषा क्या होती है ये मैं आपको बता दूं। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो इंसान समझता है और उसी सिंटैक्स में अपने प्रोग्राम्स लिखता है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा वगैरह, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इसमें जो हम सिंटैक्स लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज है, वो इंग्लिश जैसी लैंग्वेज होती है जिसको आम इंसान समझ सकता है, हम और आप समझ सकते हैं। और जो मशीन लैंग्वेज होती है वो 01 की भाषा है जिसको हम लोग नहीं समझ पाते। इनके बीच की एक इंटरमीडिएटरी भाषा होती है जिसे बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज, असेंबली भाषा। इसका उपयोग होता है प्रोग्राम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। तो असेंबली लैंग्वेज में पहले हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो असेंबली लैंग्वेज में चेंज होती है और फिर वो चेंज होती है मशीन लैंग्वेज में। तो दूसरी पीढ़ी में असेंबली भाषा का उपयोग किया जाने लगा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पीढ़ी में और क्या क्या चीजें यूज हुई? टेप ड्राइव्स यूज हुए, टेप ड्राइव्स का उपयोग हुआ किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए। मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग हुआ, अभी हम लोग टेप ड्राइव और मैग्नेटिक डिस्क की फोटो भी देख लेते हैं। ये टेप ड्राइव्स हैं, ये मैग्नेटिक डिस्क हैं। ये आपने कभी फ्लॉपी डिस्क वगैरह देखा हो तो आप देख लीजिए, ये मैग्नेटिक डिस्क, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सेकंड पीढ़ी में उपयोग होना शुरू हुई डेटा को स्टोर करने के लिए। ये आपने जैसे कैसेट वगैरह अपने ज़माने में देखे होंगे, उससे मिलता जुलता डिवाइस है मैग्नेटिक टेप्स, तो ये उपयोग होता था डेटा को स्टोर करने के लिए। इसी पीढ़ी में प्रिंटर्स का उपयोग भी शुरू हुआ, दूसरी पीढ़ी में। अब दूसरी पीढ़ी के जो सक्सेसफुल कॉमर्शियल कंप्यूटर्स थे वो थे IBM 7094, IBM 1400 और CDC 164। ये सेकंड पीढ़ी के कॉमर्शियल कंप्यूटर थे जो कि ENIAC और ADVAC से काफी एडवांस थे। ये हम लोग देख चुके हैं ट्रांसिस्टर, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क, ये सेकंड पीढ़ी में इनका उपयोग हुआ। अब आते हैं हम लोग तीसरी पीढ़ी की ओर। तो तीसरी पीढ़ी, इसकी समय अवधि थी 1963 से 1971। इस पीढ़ी में कंप्यूटर की सर्किट बनाने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट्स का उपयोग हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट्स जब आए इस दुनिया में तो पूरी दुनिया ही जो बदल गई, न सिर्फ कंप्यूटर बल्कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें सर्किट्स का उपयोग होता था वो बदल गए, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट्स जब आए तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट्स बहुत ही छोटे हो गए, मतलब सर्किट्स जो थे वो अत्यंत छोटे हो गए। और थोड़ा बहुत हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में जान लें कि जैक किल्बी, इन्होंने 1958 में इंटीग्रेटेड सर्किट का कॉन्सेप्ट दिया था और 1961 तक इसका कॉमर्शियल उपयोग शुरू हो चुका था। बहुत ही तेजी से, देखिए 1958 से लेके 1961, मात्र 3 साल में इंटीग्रेटेड सर्किट्स कॉन्सेप्ट से लेके प्रोडक्शन से लेके और यूज होने तक सब कुछ हो चुका था। इंटीग्रेटेड सर्किट्स के आने के बाद जो पुराने जितने भी ये जो ट्रांसिस्टर वगैरह वगैरह थे ये सारे की सारी चीजें खत्म हो गई, सर्किट्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनने लग गए और इतने छोटे हो गए कि अब टेबल पर रखे जाने वाले कंप्यूटर्स बनने लगे, स्मॉल टेबल, छोटे टेबल पर रखे जाने वाले कंप्यूटर भी बनने लग गए। ये इंटीग्रेटेड सर्किट कुछ इस तरह से दिखता था। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटा सा सर्किट जो कि मदरबोर्ड में फिक्स कर दिया जाता था। तीसरी पीढ़ी के जो प्रमुख कॉमर्शियल कंप्यूटर थे वो थे IBM 370, IBM सिस्टम 360, यूनिवैक
1108 और यूनिवैक एसी 9000। ये तीसरी पीढ़ी के सक्सेसफुल कमर्शियल कंप्यूटर्स थे। तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स से सर्किट बनता था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांसिस्टर से सर्किट बनता था, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का उपयोग शुरू हुआ, ये इंटीग्रेटेड सर्किट। अब चौथी पीढ़ी जो कि 1971 ऑनवर्ड्स, ठीक है, इस पीढ़ी में क्या हुआ फिर हम लोग, इसका मतलब है कि इंटीग्रेटेड सर्किट से भी आगे बढ़ गए होंगे। तो इस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर्स का उपयोग शुरू हुआ। माइक्रो प्रोसेसर जो है, नाम से ही आपको लग रहा है माइक्रो प्रोसेसर, बहुत ही ऐसा छोटा प्रोसेसर जिसमें हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट लग जाते थे। तो ऐसा जो है वो डिवाइस, ऐसा सर्किट बनना शुरू हो गया। टेड हॉफ का नाम याद रखिएगा ना, टेड हॉफ ने पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 में इंटेल के लिए बनाया था, जिसे इंटेल 4004 कहा गया। पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 में बना, किसके लिए बना, इंटेल के लिए। किसने बनाया, टेड हॉफ ने बनाया। अब एक सिलिकन चिप में हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट लग सकते थे, ठीक है, एक सिलिकन चिप में हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट लग सकते थे। अब सिलिकन चिप्स का उपयोग शुरू हुआ जिसके ऊपर बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट लगाए जा सकते थे। अब इसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट्स आए, जैसे LSI आया, यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ढेर सारे इंटीग्रेटेड सर्किट। VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ज्यादा संख्या बढ़ा दी गई इंटीग्रेटेड सर्किट की सिलिकन चिप पे। उसके बाद और संख्या बढ़ी तो उसे कहा गया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से यहां पर टेक्नोलॉजी बदली। 1981 में IBM ने होम यूजर के लिए पहला कंप्यूटर लॉन्च किया, तो 1981 में पहला कंप्यूटर होम यूजर के लिए भी लॉन्च कर दिया गया, और ये IBM ने किया था, ठीक है। अब होम यूजर के लिए अब कंप्यूटर बनाए जा सकते थे क्योंकि अब कंप्यूटर्स की साइज काफी छोटी हो गई थी, टेबल पर रखे जाने वाले कंप्यूटर बनने लग गए थे, और इस तरह से होम यूजर के लिए भी कंप्यूटर बनने लग गए थे। 1981 में IBM ने होम यूजर के लिए पहला कंप्यूटर लॉन्च किया था। यहां पर एक चीज और हम लोगों को जानना आवश्यक है, सिलिकन चिप के बारे में अभी हम लोगों ने बात की है, तो भारत में जन्मे अमेरिकन इंजीनियर विनोद धाम को सिलिकन चिप का पितामह कहा जाता है। सिलिकन चिप का पितामह, फादर ऑफ सिलिकन चिप किसे कहा जाता है, एक अमेरिकन इंजीनियर थे जिनका जन्म भारत में हुआ था, हालांकि वो अमेरिकन इंजीनियर हैं, उनका नाम था विनोद धाम, और उन्हें ही कहा जाता है सिलिकन चिप्स का फादर, क्योंकि उन्होंने ही सिलिकन चिप्स की अवधारणा दी थी। ये माइक्रो प्रोसेसर चिप्स आप देख सकते हैं, एक सिलिकन चिप पे ढेर सारे हजारों की संख्या में इंटीग्रेटेड चिप्स। अब हम लोग जानेंगे पांचवी पीढ़ी के बारे में। पांचवी पीढ़ी एक ऐसी पीढ़ी है जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यह पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग है, यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेजेस हैं, जहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स है, और इसकी सहायता से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सत्य बन गया है जो कभी कथा कहानियों में था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जब मशीनें खुद सोच सकेंगी, मशीनें खुद सीख सकेंगी, एक ऐसी दुनिया होगी जहां पे आप रोबोट से नेचुरल लैंग्वेज में बात कर पाएंगे, उसे कुछ लिख के देने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली उससे बातें कर पाएंगे जैसे आप किसी इंसान से बात कर पाते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है पांचवी पीढ़ी, करंट टाइम में चल रही है, आगे चलती रहेगी, इसमें बहुत सारे सुधार होते रहेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पितामह, आर्टिफिशियल फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है अमेरिकी वैज्ञानिक मार्विन मिंस्की को। इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1927 और इनका देहावसान हुआ 24 जनवरी 2016। 2016 भी बीते बहुत समय नहीं हुआ। इन्हें कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पितामह, यानी फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नाम याद रखिएगा मार्विन मिंस्की। तो पांचवी पीढ़ी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पीढ़ी है। तो आज के इस लेसन में हम लोगों ने जो पॉइंट्स कवर किए वो था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। यदि आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी वेबसाइट studymedha.com को जरूर विजिट करिएगा। अगले लेसन में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।